NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara Beta. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट. और 4 बजे से हमारे विधायक दल की मीटिंग होगी और उसके बाद जो कमेटी हमारी काम करेगी, कमेटी की घोषणा हमारे अध्यक्ष जी करेंगे. चंद्रन जी ये बताइए कि जहानाबाद में जो जंग कैंसर से हार हुई, इसके गुनाहगार कौन है? आप एक बात सुन लीजिए, हम लोग छोटी छोटी बातों हजार 2,000 का ये विषय नहीं है. वोट का जहाँ चुनाव जीत रहे थे, आप लोग जीता रहे थे, जहाँ कठिन प्रतियोगिता थी वहाँ की बात उठा दीजिए. सुनकर आप नहीं आते अगर वहाँ का परिणाम देखें, जहाँ पर आप लोग और सारे मीडिया कभी भी कोई भी हारने की गुंजाइश नहीं कर रही थी, वहाँ 1,00,000, 2,50,000 वोट से हारना, क्या आप समझते हो कि जनादेश अभी जनादेश इतना एक तरफा रहता? जहानाबाद की चर्चा आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जहानाबाद की चर्चा आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि तेज प्रताप के उम्मीदवार के कारण वहाँ आप लोगों की हार हुई? मैं आपके सामने जो बात कह रहा हूँ, ये मुख्य किसी एक क्षेत्र और एक इलाके की बात मैं नहीं कह रहा हूँ. कृपा करके आप उस जगह पर नहीं जाइए, हमारा अंतिम विषय को तो हम लोग देखेंगे. ये सारा जनादेश षड्यंत्र के द्वारा लूट में गई, ये होने विषय है. बिहार की अध्यक्ष करो जनता ये जानना चाहती है, ये हुआ कैसे? हमारा विषय ये है, इसके लिए हम लोगों ने एक समिति बनाई है. ये एक हफ्ते 15 दिन, लेकिन आपके आरजेडी के नेता ही कहते हैं कि महागठबंधन जो है वो एकजुट नहीं था, वो नहीं था. महागठबंधन एकजुट रहा है, महागठबंधन ने हर जगह भूमिका दिखाई है और महागठबंधन विधानसभा के चुनाव तक भी इसी तरह बना रहेगा. और हम लोग इस षड्यंत्र को खत्म करके असली जनादेश को आज के विधानसभा में हम लोग प्राप्त करेंगे. तेज प्रताप यादव के खिलाफ एक्शन की सोच रहे हैं, अलग क्यों है? आप लोकसभा पर समीक्षा करें कि अलग है, अलग कैसे होगा? आप उस पर बताइए, तेज प्रताप यादव के खिलाफ एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी तेज प्रताप का आपका विषय 10 जनता का विषय, इसी तरह से डेमोक्रेसी चलेगी? हम जब डेमोक्रेसी का बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इसको लेकर के एक कमेटी मत बनाइए. देखिए अभी बेबस है, आप उसका मेहनत और परिश्रम और नौजवानों ने जो उत्साह पैदा किया है वह उत्साह बनाए रखेंगे हम लोग 2023 के विधानसभा चुनाव तक. और 2020 के चुनाव के लिए अति उत्साह, कहीं से हम महागठबंधन के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हतोत्साहित नहीं है. हम लोग मान के चलते हैं कि जनता ने हमें जीत दी है और जनता के जनादेश हमारे पक्ष में था, लेकिन जो नतीजे आए हैं, जो नतीजे किस षड्यंत्र के द्वारा इस नतीजे को इस तरह से इस बिहार में हमारे दिल्लियों ने प्राप्त किया है, हम लोग इसकी जांच करेंगे. माइक्रो लेवल पर लोगों से मिलेंगे और किस तरह है? जो सही जनादेश था उसको पलटने का काम नहीं किया, यही दो बातें आज मुख्यतः हुई. और अपने नेतृत्व पर राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण विश्वास करता है, मार्गदर्शन आदरणीय लालू जी का मिलता रहेगा और राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल काउंसिल उसके द्वारा जो आदेश प्राप्त है श्री तेजस्वी जी को, ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व करते रहेंगे. बैठक तो दिया हुआ है सर, आज हम सभी ने उनको बधाई दी है, धन्यवाद दिया उनकी मेहनत को. दो सफाई सब तुम बोलो प्रकाश नौजवान लिखा है और यहाँ की लड़ाई सभी लोगों ने मिलकर तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो हम लोग लड़े थे उसके खिलाफ सभी लोग लड़े हैं, लेकिन अकेला ये नेता सबसे आगे रहा है और पुष्ट से आगे रहा है. बिहार की जनता ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय जनता दल का ये नौजवान नेता बिहार को. आप एक छोटे बिंदु पर मत लेके उलझाइए, परिवार में कला रहा है. अगर चीज को सुनिए, देखिए पूरा महागठबंधन एक पूरा महागठबंधन एक
का माइक्रो लेवल श्री गोपालनंद सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। उस कमेटी के दूसरे सदस्य हैं श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी और तीसरे सदस्य हमारे प्रधान महासचिव श्री आलोक मेहता जी। फिर से एक बार नाम बता दीजिए। श्री जगदानंद सिंह जी इस कमेटी के अध्यक्ष, दूसरे मेंबर हुए श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी और तीसरे मेंबर श्री आलोक मेहता जी। तो हमारे दल के एक कमेटी जो है सभी लोगों से बातचीत कर करके, सभी सेक्शन के लोगों से बातचीत कर करके कैसे एक हरियाणाकारी जो सांप्रदायिक तत्व है हमारे जनाधार को पलटने का काम किया, हमारे जनमत को पलटने का काम किया। एक सप्ताह के भीतर आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडिस्ट को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे फोन नंबर से 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।